बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और जी, आज मैं आपके साथ विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी जो बहुत ही खूबसूरत और सिंपल है। तो सबसे पहले इसकी शॉल देखते हैं। इसकी शॉल पे मैंने शिटल की लेस लगाई है गुम सिलाई के साथ। इसको लगाने का जो तरीका है ना, वो मैं अपने चैनल पे इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही इजी तरीके से ये लेस मैंने लगाई है और बहुत माशाल्लाह नफीस लगती है ना। तो जब भी आप कोई दुपट्टे पे, शॉल पे लेस लगाएं, कोई आप पीको करवाएं, तो जो इसमें बहुत कम कलर होगा ना, उस कलर की आप लेस चूज़ करें, क्योंकि वो ही प्रोमिनेंट होगी। और ये देखें माशाल्लाह इतनी नफासत से लगती है ना कि इसके कॉर्नर वगैरह देखें आप, बहुत ही ये नफीस लगते हैं। और बग़ैर पलटे के ये लेस मैंने लगाई है। ट्राउज़र की कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइनिंग की है, ट्रायंगल बना के, तो फिर मोती के साथ नीचे वाली पट्टी के साथ इसको अटैच कर दिया ना। तो ये चेपी के साथ मैंने कोई 1.25 इंच की पट्टी तैयार की है और फिर इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया है। ये पांचा इसका जो है ना 6 इंच का है। तो ये हो गया जी ट्राउज़र और इसकी डिज़ाइनिंग। पहले आप फुल शर्ट देख लें, फिर मैं इसकी डिटेल आपको बताती हूँ। पहले आ जाते हैं बैन की तरफ। तो ये 16 इंच का बैन है और ये जो इसका कट है ना, ये है 3 इंच। ये काफ़ी ठीक रहता है, ना छोटा है ना बड़ा है। और ये जो इसका पट्टी ऊपर हमने लगवाई है ना, ये 15 इंच की है। और ये इसकी जगह, शीशे की जगह टसल्स भी लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इस पर ये शीशे लगाए हैं, ये रेडीमेड मिलते हैं ना। और अब आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। तो ये देखें, ये जो तिकोन सी बनती है ना, ये वो दो दो तिकोन ऊपर और एक बड़ी तिकोन नीचे बन के ना, तो ये ऊपर लग गई है दो दो तिकोन। और ये बॉर्डर था काफ़ी चौड़ा, इतना चौड़ा था, तो उसको हमने हाफ़ करके बाजू पे, गले पे और दामन पे लगा लिया है। और ये जो है ना हाफ़ इसका जो था, वो इस तरह चौक पे लगा दिया। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, नफासत से लगा है ना। ये देखें इस तरह हमने चौक पे लगा दिया। दामन की तरफ, तो दामन पे भी वही स्लीव्स वाला डिज़ाइन है। ये देखें कितना नफीस इस तरह ये डिज़ाइन बना है ना। मतलब ये जो पट्टी है, ये ऊपर लग गई और इसमें ये गुम सिलाई के साथ ना, ये जो तिकोन सी, इसको आप समोसे भी कह सकते हैं। मैं जिन बाजी से कपड़े सिलवाती हूँ ना, तो वो इनको ना समोसे कहती हैं। तो ये तीन तीन बना के हमने ये लगा दिए। बैक पे भी सेम डिज़ाइनिंग है जो फ्रंट पे है, वही बैक पे है। ये 2 इंच की पट्टी है बॉर्डर की और 2 इंच की फ्रंट पे है। और ये जो पट्टी है ना, ये बॉर्डर की ही थी, ये भी तकरीबन 1 इंच की है। तो ये चौक पे लग गई, ज़रूरी नहीं कि पूरा बॉर्डर ही हम लगाएं। ये शर्ट का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि ऑल ओवर थी लेकिन साइड पर बॉर्डर था, तो वो फिर बॉर्डर की कटिंग करके ना मैंने इसमें डिज़ाइनिंग करवा ली है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये डिज़ाइनिंग। और बहुत इजी है और बहुत ये देखें खूबसूरत लग रही है ना। जो भी आपके सूट में कलर हैं बेस के ऊपर, वो आप चूज़ करके तो उसकी ये डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं। और ये जो कपड़ा है ना, ये पाइपिंग जो मिलती है ना, आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, मैं अक्सर इसी कपड़े की डिज़ाइनिंग करवाती हूँ, क्योंकि इसका कलर भी ख़राब नहीं होता और दूसरा ये है कि ये इसके ऊपर बुर वगैरह भी नहीं आती ना। तो बस ये थी आज की इस सूट की डिज़ाइनिंग। अभी आप इसकी फुल लुक देख सकते हैं इस शर्ट की। और इसके बाद ना मैं आपके साथ नेक्स्ट जो सूट है उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। तो आ जाते हैं अभी नेक्स्ट सूट की तरफ। तो ये फिर मैंने इसके साथ मैच कर लिया। ये इसकी शॉल है और शॉल पे ना ये मैंने खुद लगाया माशाल्लाह से। ये देखें कितना नफीस लगा है। इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी ना, कि घर पे किस तरह हम बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये पलटा भी कह सकते हैं, पाइपिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये हम घर पे नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये एक पैर की मशीन के साथ ही मोस्टली लगाया जाता है। लेकिन मैंने जो घर में
नॉर्मल जो मशीन का पैर होता है ना उससे ही ये मैंने लगाया है। तो बहुत ये इससे भी ना नफासत आ जाती है शॉल में, दुपट्टे में। तो इसकी भी इंशाल्लाह मैं वीडियो शेयर करूँगी, इसको लगाने का तरीका। और ये देखें इसके कितने अच्छे ये कॉर्नर भी बनते हैं ना, ये नहीं मुझे पहले बनाने आते थे, तो ये भी बहुत नफीस बने हैं। अब जी आ जाते हैं शर्ट की तरफ। तो ये देखिए इसका बैन है, मुझे बैन वाले गले बहुत पसंद है, वैसे भी सर्दियों में ना बैन बहुत अच्छा लगता है। तो ये 16 इंच का इसका बैन है, और ये जो पट्टी मैंने ऊपर बॉर्डर में से ना छोटी सी ये लगवाई है, ये है 1/2 इंच की। और इसका जो कट है ये 3 इंच है, और इसका टोटल जो इसकी लेंथ है ना इस कट की ये है 13। और ये जो टसल्स है ना ये माशाल्लाह से मैंने देखे खुद तैयार की हैं। ये मेरे पास घर में ये बड़ा वाला एक मोती था, फिर मैंने ब्लैक कलर के मोती लेके ना तो ये टसल्स तैयार कर लिए। तो आप इनकी जगह कुछ बटन्स भी लगा सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये बहुत इसके साथ ना मैचिंग हो रहे थे तो इसलिए फिर मैंने ये लगा दिए। तो बाकी आप बताइएगा कि इस पर ये टसल्स कैसे लगे। ये इस पे लेस हमने लगाई है, ये जो देखें ना बॉर्डर था, और इसको बॉर्डर वैसे तो इसके साथ अटैच करें ना तो वो थोड़ा सा कपड़े में हेर फेर आ जाता है, लेकिन अगर ये ज्वाइनिंग लेस अटैच कर लेना तो बड़ी नफासत सी आ जाती है ना। तो फिर आगे बॉर्डर लगा के गुम सिलाई के साथ ही ना ये देखें ये लेस लगाई है बाजू पे, और आगे से थोड़ा सा ना मैं खुला बाजू रखवाती हूँ क्योंकि वज़ू वगैरह करने में ना फिर आसानी होती है। तो ये इसका हो गया। अब ये बॉर्डर देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह ना नफासत से अटैच करवाया करें लेस, क्योंकि अगर ये गुम सिलाई के साथ हम नहीं लगवाते ना तो ये धागे सारे निकल के ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा ये जो ये लेस लगवाई है ना ये भी गुम सिलाई के साथ ही लगी है। चौक पे ये देखें पलटा, आप ब्लैक कलर का भी या मतलब जो भी आपके सूट में कलर है वो उस कलर का लगवा सकते हैं, मैंने सेम कलर का ही लगवाया है। इससे भी ना बड़ी नफासत आती है, अक्सर हमारे रेडीमेड सूट जो होते हैं ना उनके ऊपर उन्होंने इसी तरह पलटा लगा के ना चौक की ये की होती है तिरपाई। तो अगर हम उसको वैसे ही जैसे इसको भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे ना नफासत बड़ी आती है अगर हम पलटा लगवाते हैं ना। तो ये जी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको इसकी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है, और इसकी फ़ाइनल जो फुल शर्ट की लुक है ना वो भी आप देख सकते हैं। तो जी ये भी हो गया एक सूट, और माशाल्लाह अब आ जाते हैं तीसरे सूट की तरफ। ये भी बड़ा खूबसूरत और सिंपल सा बना है ना। इसके साथ प्लेन स्टॉलर है, और प्लेन ही इसका ब्लैक कलर में ट्राउज़र है, ये पेंट ट्राउज़र है। इसकी जो पाइंची की चौड़ाई है ये 6 इंच है। और ये जी पहले आप देख लें इसका गला, बैन वाला इसका गला है, और इसका ना कट जो है थोड़ा सा वी शेप बन गई है, हल्का सा वी की तरह ना बना दिया है। और इसके साइड पे पैनल्स पे एक बॉर्डर में से ही पट्टी लेके ना तो उसमें से एक हमने गले पे लगा दी है, और एक जो पट्टी है ना उसको हमने पैनल्स पे लगा दिया, 1.5 इंच की पट्टी है। तो इस तरह भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि बॉर्डर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो इसका बीच वाला गैप है ये 7.5 या 8 इंच का आप गैप रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना कपड़ों से हमें आइडिया मिल जाता है, क्योंकि सेम तो हम बना नहीं रहे होते ना, हमारे पास सेम प्रिंट होता है। ये नीचे जो बॉर्डर था ना इसके मैंने लेस शीटल की लगा दी है, और नीचे कटवर्क गोल बना दिया ना। तो इसके अंदर आप एक एक मोती भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा टसल्स वगैरह भी कोई लगा सकते हैं। जो बैक थी इसकी सिंपल बना दी है, और इसकी जो फ्रंट है ना उस पर थोड़ी डिज़ाइनिंग कर दी है।
और बाजुओं पे भी ऐसे ही हमने गोल कटवर्क बना दिया है और उसके ऊपर शटल की लेस लगा दी है ना, इस तरह थोड़ी वो एक बॉर्डर की शेप आ गई है। तो ये थी आज की डिज़ाइनिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।